नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं। और आज की ये खास वीडियो आपके लिए है बेहद खास, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसे सच के बारे में, एक ऐसी कथा के बारे में बताने जा रही हूं, जिसके बारे में अमूमन कम ही लोग जानते होंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आखिरकार शव को हमेशा डोम समुदाय के लोग ही क्यों जलाते हैं? क्यों सिर्फ डोम समुदाय के लोगों को ही ये कार्य दिया गया है? यदि नहीं जानते हैं तो आप लोग हमारे इस वीडियो में जाएं। दोस्तों, क्योंकि डोम समुदाय से जुड़ी भगवान शंकर और माता पार्वती से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा है, और वो क्या है कथा, वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे डोम समुदाय की। दोस्तों, वाराणसी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वरुणा और अस्सी। ये दो नदियां थीं जिनके बीच में एक शहर बसा हुआ था जिसका नाम आनंदवन था। समय के साथ यह नाम बदल गया। ये दोनों नदियां आगे जाकर गंगा में मिल जाती हैं। ऐसे ही इनके नामों को मिलाकर वाराणसी बना। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर रहते हैं जगदीश राजा चौधरी। जगदीश राजा चौधरी डोम समुदाय से आते हैं, जो वाराणसी में हिंदुओं का अंतिम संस्कार करवाने का काम करते हैं। डोम समुदाय अनुसूचित जाति में आता है। वाराणसी में गंगा किनारे कई घाट बने हुए हैं। इनमें दो घाटों पर सिर्फ और सिर्फ अंतिम संस्कार ही किया जाता है। एक घाट है मणिकर्णिका घाट, जिसका नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर है। लक्ष्मीबाई वाराणसी में पैदा हुई थी और उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। दूसरा राजा हरिश्चंद्र घाट है। राजा हरिश्चंद्र को भारत के ऐतिहासिक कथाओं में हमेशा सच बोलने और धर्म के रास्ते पर चलने वाला राजा बताया जाता है। इन दोनों घाटों पर अंतिम संस्कार करवाने का काम सिर्फ डोम जाति के लोग करवाते हैं, और इन्हें डोम राजा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिरकार डोम समुदाय के लोग ही क्यों करवाते हैं अंतिम संस्कार। दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान शिव और माता पार्वती एक बार वाराणसी आए, और वहां पर पार्वती मणिकर्णिका घाट के पास स्नान करने लगी। उनका एक कुंडल गिर गया, जिसे कालू नाम के एक राजा ने अपने पास छुपा लिया। कई लोग कालू को राजा की जगह एक ब्राह्मण बताते हैं। शिव और पार्वती को तलाश करने पर यह कुंडल नहीं मिला, तो शिव जी ने गुस्से में आकर कुंडल को अपने पास रखने वाले को नष्ट हो जाने का श्राप दे दिया। जिसके बाद इस श्राप के बाद कालू ने आकर शिव से क्षमा याचना की। शिव ने नष्ट होने के श्राप को वापस लेकर उसे शमशान का राजा बना दिया। उसे शमशान में आने वाले लोगों की मुक्ति का काम करवाने और इसके लिए उनसे धन लेने का काम दिया गया। तब से कालू के वंश का नाम डोम पड़ गया। डोम में हिंदू मान्यताओं के पवित्र शब्द ओम की ध्वनि आती है। डोम जाति से जुड़ी और भी कई सारी पौराणिक कथा आज भी मौजूद है, और एक कहानी है राजा हरिश्चंद्र की भी। राजा हरिश्चंद्र की कोई संतान नहीं थी। भगवान वरुण के आशीर्वाद से उनके रोहिताश्रव नाम का एक बेटा हुआ। हरिश्चंद्र बहुत दानी हुआ करते थे। तभी एक ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे उनका पूरा राजपाट दान में मांग लिया। हरिश्चंद्र ने इसे दान दे दिया। इसके बाद भी विश्वामित्र ने और दान मांगा, तो हरिश्चंद्र ने खुद को और अपनी पत्नी और अपने बेटे को भी बेच दिया। हरिश्चंद्र ने खुद को वाराणसी के एक डोम को बेचा, और पत्नी और बेटे को एक ब्राह्मण को। उनके बेटे रोहितावश की सांप के काटने से मौत हो जाती है। उनकी पत्नी जब बेटे को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाती है, तो वो अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए भी पैसा मांगते हैं। इस तरह की पौराणिक कथाएं डोम जाति के बारे में काफी प्रचलित है। आधुनिक इतिहास में माना गया है कि डोम हिंदू वर्ण व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर आने वाले शूद्र वर्ण के एक जाति है। इनका काम मृतकों का अंतिम संस्कार करवाना होता है, और यह परंपरा अभी भी चलती आ रही है। दोस्तों, हिंदू परंपराओं के मुताबिक वाराणसी भगवान शिव जी द्वारा बसाया गया एक शहर है। यहाँ पर मरने और अंतिम संस्कार होने वाले व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है। ऐसे में बहुत सारे हिंदू मरने के बाद वाराणसी में अंतिम संस्कार करवाना चाहते हैं। वाराणसी में डोम जाति के लोग ही काम करते हैं। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के लिए लाश को जलाया जाता है। वाराणसी में डोम ही चिता जलाने के लिए संतान के हाथ में आग देते हैं।
साथ ही अंतिम क्रियाक्रम के लिए होने वाला सारा काम डूम करती हैं। इस समुदाय के पुरुष ही यह काम करते हैं, महिलाएं इस काम में नहीं आती हैं, इसीलिए अंतिम संस्कार करवाने के लिए इन्हें रुपए मिलते हैं। वाराणसी में इन दोनों घाटों के पास डोम समुदाय की बस्ती है, जहां अंतिम संस्कार का काम दिन और रात दोनों समय होता है। ऐसे में वाराणसी में डोम समुदाय के लोग शिफ्ट लगाकर काम करते हैं। दोस्तों, डोम का काम अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को करना है। उनका समय सिर्फ लाशों के साथ ही बीतता है। लाश अपने आप में ही एक नकारात्मक चीज है, ऐसे में इसके साथ दिन भर रहना बेहद मुश्किल है। साथ ही इन्हें ये सुनिश्चित करना होता है कि लाश का हर एक अंग पूरी तरह जल गया हो। कई बार अधजले अंगों को अपने हाथ से ठीक जगह रख पूरा जलाया जाता है। डोम लोग आग के साथ काम करते हैं, ऐसे में उनके लिए काम करते हुए जलना बहुत ही ज्यादा आम बात है। दोस्तों, आशा करती हूँ आज के हमारे इस खास वीडियो में आपको ये जानकारी मिल गई होगी कि आखिरकार डोम समुदाय के लोग ही क्यों अंतिम संस्कार करते हैं। उससे जुड़ी हमने आपको पौराणिक कथा भी बताई कि डोम समुदाय आखिरकार बना कैसे। अगर आपको हमारी दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।